हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आपने मेरे नए चैनल के वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो कर लो। मैंने वहाँ पे भी टैरो रीडिंग्स डाली है, आपको बहुत पसंद आएंगी। और मैं वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक्स पे मैं वहाँ पे वीडियो डालने वाली हूँ। तो अगर आपका भी कोई रिक्वेस्ट है टॉपिक तो आप मुझे यहाँ पे भी बता सकते हो, मैं उसका शॉर्ट वीडियो वहाँ पे बना के डालूँगी। तो फटाफट से जाके न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसका नाम है गाइडिंग एंजल पूजा। और इस वीडियो में हम इस वक्त आप दोनों के फीलिंग्स क्या है एक दूसरे को लेकर, वो देखने वाले हैं। ये डेक है आपके पर्सन की फीलिंग्स जानने के लिए और ये डेक है आपकी फीलिंग्स जानने के लिए। एक दोनों एक साथ ही मैं कार्ड्स निकालूंगी, मैंने इनको शफल कर लिया है ऑलरेडी, फिर से आपके सामने भी मैं शफल कर लूँगी और फिर हम देखेंगे कि आपके पर्सन और आप दोनों एक दूसरे को लेकर इस वक्त क्या महसूस कर रहे हो। चलो मैं इसको शफल कर लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें आपके पर्सन की आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है इस वक्त में, वो क्या चाहते हैं, उनकी एनर्जी, उनके इंटेंशंस। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके इनफ, तो मैंने कार्ड्स को यहाँ पे कर लिया है शफल। अब बारी है आपके लिए जो कार्ड्स है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर की उनके पार्टनर को लेकर क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स है इस वक्त, प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो कुछ कार्ड्स यहाँ पे उछल के आ रहे हैं लेकिन मैं नहीं लूँगी, मैं एक एक करके ही कार्ड्स निकालूंगी दोनों डेक से। सो एक साथ मैं दोनों डेक से एक एक कार्ड्स अब निकालती हूँ, देखते हैं करंटली आप दोनों क्या सोच रहे हो। सबसे पहले यहाँ पे आपके साइड में आए हैं हाई प्रीस्टेस और आपके पर्सन के साइड में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आप दोनों ही, पता है मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे, आप दोनों ही अपनी अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं अपने तक सीमित रख रहे हो। एक मिस्टीरियस सी एनर्जी दिख रही है, एक दूसरे के लिए जैसे हाइड एंड सीक होता है ना, छुपन छुपाई का खेल होता है, जहाँ पे आप भी छुप रहे हो, आपके पर्सन भी छुप रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। आप में से मुझे लगता है आप बड़े हो, आपके पर्सन छोटे हैं। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन छोटे हैं आपसे एज में और आप बड़े हो, या हो सकता है कि आपके पर्सन प्यार के मामलों में बहुत इमेच्योर है और आप क्वाइट नॉलेजेबल, आप काफ़ी आपकी जो कह लो एक मेंटल स्ट्रेंथ काफ़ी है आप में और काफ़ी होशियार कह सकते हो आप, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स। आप अच्छे तरह से जानते हो कैसे निभाना है, कैसे क्या करना है। आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन और आपके पर्सन मुझे काफ़ी मच्योर लग रहे हैं, काफ़ी नाइव लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता आपके पर्सन थोड़ा भी अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करते होंगे, और आप अपने इंट्यूशन का बड़े ही अच्छे से इस्तेमाल करते हो। आप हर साइड, हर चीज़ में अच्छी और बुरी साइड देखते हो, समझते हो, और आपके पर्सन जल्दी से किसी भी डिसीजन पर आ जाते हैं। मतलब आपके पर्सन की बहुत इमेच्योर सी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, मे बी वो आपको स्टॉक कर रहे हैं और आप भी उन्हें स्टॉक कर रहे हो, बट आपका जो स्टॉक करने का तरीका है, मुझे आप लगता है कि आप ज़्यादातर इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ज़्यादातर आप विजुलाइज कर रहे हो, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हो, और ये पर्सन इमेच्योरली एक्शंस ले रहे हैं। लेट्स सी मोर। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपके साइड में है और आपके पर्सन के साइड में डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखो, आप दोनों के अंदर एक दूसरे को पाने की, एक दूसरे से बात करने की, एक दूसरे से कनेक्ट करने की काफ़ी इच्छा है। दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर काफ़ी पैशन है। आपके पर्सन और आप, मुझे लगता है कि जितना प्यार करते हो एक दूसरे से या जितनी अट्रैक्शन है एक दूसरे को लेकर, उतना ही इस वक्त में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो। आपका व्यू पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके पर्सन का व्यू पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों ऐसे हो जैसे शेर सवा शेर वाली एनर्जी है। आप अगर शेर हो तो आपके पर्सन सवा शेर है, तो दोनों ही गिव अप करने के माइंडसेट में नहीं दिख रहे हो, या यू नो खुद जाकर एक्शन लेंगे, माफ़ी मांगेंगे, इस तरह के एनर्जी मुझे आप दोनों में से किसी की नज़र नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हैं आपके पर्सन, मुझे लगता है द गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ ये कनेक्शन। या फिर आपको अगर लगता है ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं एंड दे हैव फॉरगॉटन मी, ऐसा नहीं है, एक शुरुआत फिर से होगी, एक मौका फिर से मिलेगा। एंड आपकी अगर फीलिंग्स देखी जाए तो यू लुक आपकी एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है चुप कर देखना, चुप कर नोटिस करना। ओके, लेट्स सी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपके साइड में है एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पर्सन के साइड में है। मुझे लगता है कि आप या तो आप लोगों से सोशलाइज़ कर रहे हो, बात कर रहे हो, फ्रेंड्स कोलीग्स, अपने काम में अपने आप को बिज़ी कर रखा है,
एंड एन्जॉय कर रहे हो एंड आपके पर्सन वहाँ पे मुँह लटकाए बैठे हुए हैं, मुझे काफ़ी गुस्से में नाराज़ नज़र आ रहे हैं, आप काम करना चाहते हो इस कनेक्शन पे, आपके पर्सन नाराज़ बैठे हुए, हो सकता है इन्होंने आपको मना कर दिया हो काम करने से आपके साथ इस रिश्ते पे, आपने ट्राई भी किया मे बी इनके साथ कि आपका पैचअप हो जाए और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, बट मे बी आपके पर्सन ने उस तरह से यू नो आपको निगलेक्ट किया या मना कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो एक आपके पर्सन की ना खड़ूस वाली एनर्जी मुझे लग रही है, आप काम करना चाहते हो, मे बी आप अलग यू नो अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, काम कर रहे हो, बिजी रख रहे हो अपने आप को, लोगों से मिल रहे हो, जुल रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो, ना आपके पर्सन अकेले हैं, ओके लेट्स सी मोर, या फिर हो सकता है उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इंजॉय कर रहे हो लेकिन आप काम कर रहे हो, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून और यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स है आपके पर्सन के साइड में, देखिए आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप दोनों रिकनेक्ट करना चाहते हो, रीयूनियन चाहते हो कि कोई भी दूरियाँ मिट जाए, बातचीत हो जाए, एक मौका चाहते हो, दोनों एक दूसरे के आस में बैठे हो, ठीक है। लास्ट कार्ड है आपके साइड में एस ऑफ स्वर्ड्स एंड आपके पर्सन के साइड में ही है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आप क्लैरिटी चाहते हो, आप कम्युनिकेशन चाहते हो कि ये पर्सन कुछ क्लैरिटी दे, कुछ कन्फ्रंट करे, कुछ कम्युनिकेट करे, और आपके पर्सन मुझे लगता है इस वक्त ना आप जल्दी से चीज़ें होना देखना चाहते हो कि जल्दी से बात करे, जल्दी से कम्युनिकेट करे, और आपके पर्सन मे बी इट दे माइट टेक अप टू थ्री डेज, थ्री वीक्स, 3 दिन या 3 हफ्तों तक का भी समय ले सकते हैं ये पर्सन, क्योंकि वो कुछ प्लान कर रहे हैं, ये पर्सन पता है आपके जैसे नहीं है कि सोच लिया कर लिया, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ओके सो या, एंड आप ऐसे पर्सन हो जो क्लैरिटी चाहते हो, आप किसी भी अनस्टेबल रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते या सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, आप ऐसे हो दूध का दूध पानी का पानी, जो है अभी है ख़त्म कर दो किस्सा, इस टाइप की एनर्जी है थोड़ा सा ना आपके पर जो भी इनिशियल्स देखते हैं कि आपके पर्सन किस इनिशियल के हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे बॉक्स में कुछ इनिशियल्स रखे हैं, मैं रैंडमली निकालूंगी, मैं कैमरा की तरफ देख रही हूँ, मैं बॉक्स में नहीं देख रही, कोई भी उठा लूँगी एक, ओके एक गिर गया यहाँ पे नंबर 4, तो हो सकता है आपके पर्सन की बर्थ डेट हो या अप्रैल मंथ में भी उनका बर्थ मंथ हो सकता है, ओके 2 निकले हैं यहाँ पे नंबर 6, तो 6 या फिर जुलाई हो सकता है उनका बर्थ मंथ, यहाँ पे डी है, बी है, यहाँ पे जी है, ओके ए है, एल है, यहाँ पे लास्ट 2 और निकालते हैं, यहाँ पे नंबर 5 है, तो मई मंथ या फिर 5 नंबर कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, और लास्ट आपके लिए जो इनिशियल कह लो F है, ओके सो या दैट वाज इट, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और हाँ फिंगर्स की बात की जाए तो थोड़ा बेहतर है, मतलब अभी पेन तो एटलीस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ब्लैकनेस डार्कनेस अभी भी है यहाँ पे जले हुए के कारण, सो हो रहा है, अभी रिकवर हो रहा है, मैं उसको क्रीम वगैरह भी लगा रही हूँ, और आपने इतने सारे मतलब यार आप लोग मेरी कितनी केयर करते हो यार, इतना प्यार करते हो मुझसे, कितने मैसेजेस आए, इवन मुझे व्हाट्सएप पे कितने मैसेजेस आए आप लोग, आई लव यू गाइस, मतलब यार मेरे को इतना इमोशनल हो गई थी ना, कल मेरे हस्बैंड के पास होता है ना मेरा ब्रेसलेट वाला नंबर, वो हैंडल करते हैं, तो वो मुझे बता रहे थे कि बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, तुमने बताया क्या वीडियो में, मैंने बोला हाँ मैंने बताया यार, मैं हर चीज़ आपको बताती हूँ, आपको पता है कल जाके मेरे लाइफ में जो कुछ भी होगा ना मैं हर चीज़ आपसे शेयर करूँगी, ये तो फिक्स है, इसकी मैं कोई दोहराई नहीं है, सो आई लव यू गाइस, हर एक विश के लिए मतलब इतनी छोटी चीज़ के लिए भी आप इतनी केयर करते हो मेरी, हैट्स ऑफ है, मतलब दिल से अब मैं बहुत प्यार करती हूँ आप सबसे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, सपोर्ट करिए गाइज मेरा न्यू चैनल, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपके लिए ही कुछ वीडियोस डालना चाहती हूँ, ऐसे वीडियोस जो मैं यहाँ पे नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि इस चैनल का ना मैंने एक अपना एक नाम क्रिएट कर लिया है, एक अलग ही तरीके के वीडियोस मैं यहाँ पे पोस्ट करती हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ अलग वीडियोस नहीं पोस्ट करना चाहती, चाहे वो करियर को लेकर हो या गॉड्स मैसेज हो या आपके फ्यूचर आपके पास्ट लाइफ को लेकर, मैं नहीं यहाँ पे वीडियोस डाल सकती, तो आप मेरे 3rd-4th चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे शॉर्ट ही वीडियोस क्यों ना सही, आगे जाके मे बी लॉन्ग वीडियोस डालूँ मैं, लेकिन अभी मुझे शॉर्ट वीडियोस में आपका सपोर्ट चाहिए, एंड आई एम वेरी श्योर आप मुझे सपोर्ट करोगे, नए चैनल की लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट्स में फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, जाके सब्सक्राइब कर लो, सारे वीडियोस देखो, आपके बहुत काम के वीडियोस हैं, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।